नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के क्षेत्रीय निदान केंद्र में चंदन पैथोलॉजी द्वारा विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय जांच निःशुल्क किए जाते थे। चंदन पैथोलॉजी का जिला चिकित्सालय से हुए एक साल का अनुबंध बीते 30 मार्च को समाप्त हो गया। अनुबंध समाप्त होने के बाद चंदन पैथोलॉजी में ताला लग गया, जिसकी वजह से गहन जाँचें बंद हो गई, जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष के लिए संस्था से अनुबंध समाप्त हो गया है। दोबारा रिन्यूअल ना होने की वजह से संस्था की सेवाएं बंद हो चुकी हैं। अधिकतम जांचें जो आवश्यक हैं मरीजों के लिए लैब में संपादित की जा रही हैं। कुछ ही बहुत विशेष जांचों में व्यवधान उत्पन्न होगा, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कराना हमारे लेवल पर संभव नहीं है। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, इस वित्तीय वर्ष के लिए उनके अनुबंध किया गया था UPHSSP के स्तर पर लखनऊ से। 30 तारीख तक उनकी सेवाओं के लिए आदेश हुआ था, उसके बाद कोई रिन्यूअल का आदेश हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उनकी सेवाएं अब से बंद हो गई हैं। हाई एंड लेबोरेटरी है, उसमें कुछ ऐसी विशेष जांचें थी जो हमारे POCT और RDC में नहीं होती, वो उनकी जांचें उसमें होती थी। और बहुत सारी जांचें ऐसी भी हैं जो उनके द्वारा भी की जाती थी और हमारे लैब में भी होती थी, POCT में भी होती थी। तो अधिकतम जांचें जो कि आवश्यक होती हैं हमारे आने वाले मरीजों के लिए, वो संपादित की जाएंगी। अभी हमारी जो लैब है और POCT की लैब है, RDC है, उसमें हो जाएंगी। कुछ ही बहुत विशेष जाँचें हैं, उन्हीं की में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हमारे लेवल पर संभव नहीं है, और वो शासन की नीतिगत फैसला है। शासन से अगर किसी दूसरे सेवा प्रदाता को या इन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा तो उनकी सेवाएं फिर ली जाएंगी।